देखा फोटो है ना बढ़िया? मुंह जरा भद्दाया है तुम्हारा। अरे शहर की किसी लौंडिया ने देखा होगा ना तो नाचने लग गई होगी। नाचने टांगे ना तोड़ दो उसकी। जल गई। अरे जा। अरे जल गई जल गई, राम कसम जल गई। देख 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 देख, मार दूंगी शंकर। हाँ तो मार दे, अपनी बात और पक्की हो जाएगी। चल ले 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 ले, पक्की हो गई बात। शंकर, अरे शंकर देख कौन आ रहा है। कुछ मत पूछो जुम्मा दादा, जैसे ही कागज में तुम्हारा फोटो देखा सब कुछ छोड़ छाड़ के चले। अरे अच्छा ही किया। अरे दादा। शंकर बेटे, अब तो अपने से ये बस्ती नहीं छूटने की, अब तो अपना मरना जीना यही होगा। क्या बढ़िया फोटो है, जोड़ी भी बढ़िया है। महाराज एक को देखो दूसरे को भूल लो, और फिर मेरी समझ में तो आता है कि पुल उड़ने की खुशी में उतरवाया फोटो। उल्टी बात करते हो मुनीत जी, पुल उड़ने की खुशी में नहीं, पुल बनने की खुशी में उतरवाया है। अब कागज पर क्यों गुस्सा करते हो पहलवान? मुनीत जी, ग्रह ग्रह की बात है, इस बेचारे ने कोशिश तो बहुत की पर पुल तो नहीं टूटा। ये दोनों जरूर जुड़ गए। कृष्णा, मुझे इस तरह की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। काम नहीं बन पड़ा तो कमजोर पर गुस्सा निकालने लग गए। छोटे बाबू चुप रहो, मैंने तुम सबको देख लिया, तुम में से कोई किसी काम का नहीं, सबके सब बेकार। छोटे बाबू क्यों अन्याय कर रहे हो, सबको एक ही लाठी से हाँक रहे हो। ज्योतिष विद्या की कसम, मैं चाहूँ तो ब्रह्मांड को हिला दूँ। समझे समझे, कहना क्या चाहते हो? बात यह है, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। सांप के कांटे का मंत्र है पर मेरे कांटे का कोई मंत्र नहीं है। लाइए 5 रुपए निकालिए। 5 रुपए? ओहो, आप निकालिए तो आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। कैसे पूरी हो जाएगी? आइए तो फिर समझाऊं। आइए। मगर भैया आप काम कैसे हुई? मानो रास्ता बनने में रुकावट आ गई। कौन कहता है रास्ता बनने में रुकावट आ गई है? कौन कहता है काम नहीं होगा? हम कहते हैं, हम देखते नहीं, ये देवी का स्थान है, यहाँ सड़क वड़क नहीं बनेगी, और बनेगी तो हमारी लाज पर से बनेगी। जय देवी माता। पंडित अज्जा, मेरे रास्ते से नहीं तो सड़क पत्थर चौबी डाल के फाड़ दूंगा मैं। अरे वेरी गुड आइडिया, वंडरफुल। कई देवी देवता भेंट मांगते हैं, मेरे ख्याल से गांव में इससे अच्छी और तैयार भेंट नहीं मिलेगी। चल जाओ पंडित जी, शुरू शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी, बाद में तो लाइन भी क्लियर और रास्ता भी साफ। अरे पापी, हे देवी, हे माँ, ये अत्याचार, ये जुल्म, इस पापी को। गड़बड़ मत करो महाराज, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि देवी की भेंट चढ़ाए जा रहे हो, सीधे स्वर्ग में जाओ। ये क्या हो रहा है यहाँ? दुहाई है सरकार, दुहाई है। देखिए बीच रास्ते मूर्ति निकल आई है और ये पापी सड़क बना रहे हैं। सरकार यहाँ मंदिर अवश्य बनेगा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। वही तो हम कर रहे थे, पत्थर डालकर फाट रहे थे ताकि तुम्हारी मुक्ति हो जाए। राजा जय देवी माँ। पंडित जी आप ठीक कहते हैं, मंदिर यहाँ जरूर बनेगा। आपको जितने पैसे की जरूरत हो ले जाइएगा, धर्म का काम है, देर नहीं होनी चाहिए। अरे धर्म का तुम कब से ध्यान करने लगे बाबू? हैं, हटो, बकत मत खराब करो हमारा। अरे मुंह क्या देखते हो तुम लोग, शुरू करो काम। मंदिर की जमीन पर कब्जा जमा कर रास्ता निकालना चाहते हो, ये नहीं होगा। अरे जाओ जाओ कुंदन बाबू, काम करो अपना। मंदिर और शिवालय लोगों को रास्ता दिखाने के लिए बनाए जाते हैं, रास्ता रोकने के लिए नहीं। शंकर, अरे शंकर शंकर क्या करते हो बाबू? हैं, मुंह बंद करना चाहते हो मेरा? पर ये भी सुन रखो, काम बंद नहीं होने का। तुम जैसे धनवानों का जब कोई काम बनने में नहीं आता ना, तो भगवान के नाम पे गरीब लोगों को उल्लू बनाने की सोचते हो। बस बस, जबान बंद कर,
नहीं तो गोली चढ़ा दूंगा बदतमीज। वंडरफुल, मानते हैं, लेकिन ये आदमी फौलाद का बना हुआ है, तुम गोली भी मारोगे ना तो वापस आके तुमको ही लगेगी। तुम बीच में से हट जा बाबूजी। कुंदन बाबू कान खोल के सुन लो, अगर इस सड़क पे खून का छिड़काव करना है तो वो भी कर देखो, लेकिन याद रखो इंसान तो क्या मैं भगवान के सीने पे से भी रास्ता बना के निकल जाऊंगा, मैं किसी देवी देवी के चक्कर में नहीं आने का। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। क्यों न करूं जी, क्यों न करूं। पाप होता है जैसे। पाप होता है तो होने दो बेटा, कोई दूसरा रास्ता निकालने की सोच रहे। दूसरा रास्ता कौन सा निकालोगे जुम्मा चाचा? देखते नहीं हो इधर को ताल आ गया, ऐसे पाटते पाटते तो पूरा बरस बीत जाएगा। अरे उठाओ फावड़ा, मुंह क्या देखते हो भाई? ये अंत नहीं होगा शंकर, ये देवी का स्थान है। अरे हमारे आंखों के सामने मूर्ति निकली है। हाँ हाँ ठीक ही तो कहता है बोटू। क्यों शंकर दादा, मैंने कहा था तो मिर्चियाँ लग गई थी, अब अपनी सड़किया के लिए कोई दूसरा रास्ता निकालो। कसम ये तो क्या, भगवान भी अगर गरीब के सामने आएगा तो देख लूंगा। हट जाओ। तुम इतना एक्साइट क्यों होते हो पार्टनर? ये देखो ना सीधे हाथ की जमीन कितनी प्यारी है, हम उस पर से सड़क निकालेंगे। नहीं बाबू, वो जमीन गोपाल की है, वो दूसरी बस्ती का आदमी है और बरसों से उसकी दुश्मनी चली आ रही है, वो तो मरने मारने पर तुला है। ओफो, यू डोंट वरी ग्रैंडफादर, मैं दिखने में सिंगल बस्ती का हूँ लेकिन आज अपने हीरो के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। तुम आओ मेरे साथ, आ जाओ आ जाओ चाचा। ये देखो कितनी अच्छी जमीन है और शॉर्टकट भी है, जब तक तुम वो सड़क को इससे मिलाओ तब तक मैं बाढ़ साफ करता हूँ। वंडरफुल, आपकी तारीफ। अरे तारीफ के बच्चे, ये बाल किसकी ज्यादा सिखाती? तो बात ये प्यारे के रहा। अरे प्यारे वाले चुप रहा, निकल यहां से, नहीं तो मार के रखूंगा। निकल। वंडरफुल। खबरदार, अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो याद रखो मैं सबको यही जहर कर दूंगा। शंकर भैया, शंकर शंकर गोपाल बोल। देखो गोपाल, एक ही घर के रहने वाले आपस में लड़ते जरूर हैं, पर बाहर का कोई लूटने वाला आ जाना तो मिल के मुकाबला करते हैं। आज साथ दे दो भैया, बस्ती की इज्जत तुम्हारे हाथ में। लो शंकर, अब से हम भी तुम्हारे साथ हैं। आज से तुम्हारी और हमारी बस्ती की इज्जत पर हाथ उठाने वाले का कलेजा काट के रख दूंगा। निकालो सड़क यहाँ से, किसी की जमीन तो क्या, अगर आसमान भी हमारे आगे आया तो हम उसको भी रास्ता बना के निकल जाएंगे। वंडरफुल, देखा प्यारे, देवी ने अपना काम कर दिया, दो फरलांग की बचत होगी, दो फरलांग की। चलिए महाराज। छोटे बाबू जरा हाथ देखो, जरा हाथ देखो। हाथ की रेखा कहती है आप अकेले ही तशरीफ ले जाइए, आज से अपनी ज्योतिष विद्या भी इसी सड़क से काम करेगी। जय शंकर, जय शंकर। अरे वाह महाराज, आओ जल्दी लाइन में आ गए महाराज। जय शंकर। लो भाई जुम्मा दादा, सड़क तो पूरी हो गई और हो भी गई बखत पे, भगवान जी की बड़ी कृपा हो गई जुम्मा दादा। अब तो बस कल की दौड़ में भगवान जी की और कृपा हो जाए तो। उसी की जरूरत है, मगर चौधरी हाँ? समझदारी की बात तो इसमें है कि आज की रात सब होशियारी से रहे। हाँ, हाँ। सबके सब सड़क पे पहरा दे, दुश्मन का कुछ पता नहीं ना? उसकी हर बात अनहोनी। अरे जुम्मा दादा, आप कुछ नहीं होने।